नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जातीय गणना की मुख्यालय से रोज होगी निगरानी। सुपर 30 के आनंद कुमार का अपने होनहार छात्र से मिलकर सीना हुआ चौड़ा। बिहार में 11 डीएसपी का हुआ तबादला। संबद्धता में सुदूर और पिछड़े इलाकों के कॉलेजों को मिली प्राथमिकता। आज सनराइजर्स का सामना सुपर किंग्स से। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शुरू हुए भारतीय सेना के टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन। भारतीय थल सेना ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जनवरी 2024 में शुरू होने वाले टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के 138वें संस्करण के लिए विस्तृत अधिसूचना कर दी है, जिसके तहत सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कई अन्य स्ट्रीम के 40 रिक्तियों को भरी जाएगी। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री होना अनिवार्य है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मई तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जातीय गणना की मुख्यालय से रोज होगी निगरानी। बिहार में 15 अप्रैल से जातीय गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अब जातीय गणना पर मुख्यालय से रोज निगरानी रखने की भी काम की शुरुआत कर दी गई है। यानी कि अब जिलों के डीएम को रोज अपने इलाकों के जाति आधारित गणना की प्रगति से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि इस रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए रोजाना शाम को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव या सचिव वीडियो कॉल के माध्यम से सभी जिलों के डीएम से जुड़ेंगे और सारी जानकारी हासिल करेंगे। और अगर इस बीच गणना से जुड़े किसी कामों से किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी भी जानकारी मुख्यालय को दी जाएगी, ताकि उस परेशानी का तुरंत समाधान निकाला जा सके। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुचित्रा भट्टाचार्य के बारे में। सुचित्रा भट्टाचार्य एक भारतीय उपन्यासकार थी, जिन्हें हेमंतर पाखी, कछेर मानुस, अलीक सुख, ईचे और कछेर देवल सहित कार्यों के लिए जाना जाता है। एक लेखक के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास और कई लघु कथाएं लिखी। उनके उपन्यास दहन को 1997 की फिल्म दहन में रूपांतरित किया गया था और उनके उपन्यास ईचर, गच, अलीक सुख और रामधनु रंग को शिवो प्रसाद मुखर्जी द्वारा फिल्मों में रूपांतरित किया गया था। इसके अलावा उनके उपन्यास ओन्यो बवसंतो को अदिति रॉय द्वारा एक टेलीविजन फिल्म में रूपांतरित किया गया था। सुचित्रा भट्टाचार्य को 2004 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भुवन मोहिनी पदक, 1996 में नंजना नुडू थिरुमलम्बरा राष्ट्रीय पुरस्कार, 1997 में कथा पुरस्कार, 2000 में तारा शंकर पुरस्कार प्राप्त हुए, 2001 में कल्याणी, 2002 में शरद पुरस्कार के साथ साथ भारत निर्माण पुरस्कार, साहित्य सेतु पुरस्कार और 2004 में सहजानंद स्मृति पुरस्कार, 2015 में दिनेश चंद्र स्मृति पुरस्कार और 2012 में मार्टी नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब स्थानीय भाषा में परीक्षा दे सकेंगे विश्वविद्यालय छात्र। छात्र अपने स्थानीय भाषा में परीक्षा लिख सके, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि भले ही पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में हो, लेकिन छात्रों को परीक्षा लिखने की अनुमति उनके स्थानीय भाषाओं में भी होनी चाहिए। बता दें कि इस बात की जानकारी आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार के द्वारा दी गई है। इसके लिए उनके द्वारा एक पत्र लिखे यह भी आग्रह किया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को शिक्षण और सीखने में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दे। दरअसल अध्यक्ष जगदीश कुमार का मानना है कि इससे स्थानीय भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में GER के 27% बढ़कर 50% तक हो सकते हैं। राजगीर को लेकर सीएम नीतीश ने दिया खास निर्देश। राजगीर के व्यवहार गिरी पर्वत पर हुई आगजनी की घटना का सर्वेक्षण करने को लेकर बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवहार गिरी पर्वत का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं सर्वेक्षण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुभानी, पटना प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि और नालंदा DM शशांक शुभंकर समेत अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब वह छोटे थे तो अपने पिता के साथ यहां जड़ी बूटी के लिए आया करते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में हम यहां 7 दिन रुके थे और हर एक चीज को देखा था और फिर उसके बाद हर जरूरी काम करने का निर्णय लिया गया था, ताकि यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र को हरा भरा बनाया जा सके। इसके लिए यहाँ के पर्वतों पर हेलीकॉप्टर से बीज का छिड़काव कराया गया। मुझे आगलगी की घटना से काफी दुख पहुंचा है। शिक्षक नियमावली
नियमावली को लेकर राज्य में विरोध जारी। बिहार सरकार के द्वारा नई शिक्षक नियमावली को जारी करने के बाद राज्य में लगातार STET अभ्यर्थियों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है और इस नियमावली को वापस लेने की मांग की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में बीते दिन बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में एक बार फिर से STET अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि बीते दिन हुए इस विरोध कार्यक्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पुतले को भी जलाए गए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा इन सबके खिलाफ जमकर चाचा भतीजा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के द्वारा नियुक्ति को लेकर उनके साथ छलावा किया गया है, जो अब नहीं चलेगा। बिहार में 11 DSP का हुआ तबादला। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के द्वारा 11 DSP का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जिन 11 DSP का तबादला किया गया है उनमें मनीष कुमार सिन्हा को अपर पुलिस अधीक्षक विशेष कार्यबल पटना, रवीश कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक गया, मदन कुमार आनंद को ASP आर्थिक अपराध इकाई पटना, अशोक कुमार आजाद को पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर और जय प्रकाश सिंह को पुलिस अधीक्षक रक्षित वैशाली, अजय कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक CTS समेत 11 लोगों का तबादला किया गया है। सुपर 30 के आनंद कुमार का अपने होनहार छात्र से मिलकर सीना हुआ चौड़ा। सुपर 30 के संस्थापक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आनंद कुमार का सीना चौड़ा तब हुआ जब उन्होंने फ्लाइट में अपने बगल वाले सीट पर अपने पढ़ाए हुए पुराने छात्र को पाया और उसकी उपलब्धि जानी। बता दें कि जैसे ही उस छात्र ने अपने शिक्षक आनंद कुमार को देखा वह उत्साहित हो गया और उत्साह के साथ ही प्रणाम किया और कहा, सर मैं मोहम्मद फैज 2005 बैच का स्टूडेंट हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि अपने इस खास क्षण को खुद आनंद कुमार के द्वारा ही अपने ट्विटर से शेयर किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर अपने छात्र के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई और लिखा कि फ्लाइट में एक नौजवान उत्साह के साथ प्रणाम करते हुए कहा कि सर मैं हूँ मोहम्मद फैज आपका स्टूडेंट्स। मैं ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोसॉफ्ट में हूँ और मेरी टीम द्वारा नाइस पोलिस के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर को दुनिया के ग्रेटेस्ट इनोवेशन में शामिल किया गया। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिहार के स्मिता ने दंगल फिल्म देख बेटियों को बनाया पहलवान। आपने आमिर खान की फिल्म दंगल तो जरूर ही देखी होगी, वहीं ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि इस फिल्म को देखकर किसी ने अपनी बेटियों को भी पहलवान बनाने की सोची होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय के एक पिता ने इस फिल्म को देखकर अपनी बेटियों को पहलवान बनवा दिया और आज उस व्यक्ति की छोटी बेटी निर्जला ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार को सिल्वर मेडल दिलाकर पूरे राज्य को गौरवान्वित कर दिया है। बता दें कि हम जिस पिता की बात कर रहे हैं उनका नाम मुकेश स्वर्णकार है, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों शालिनी और निर्जला को 2018 में चैती दुर्गा पर महिला कुश्ती का आयोजन में भाग करवाया और कुश्ती लड़वाया था। वही राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी सफलता पर निर्जला का कहना है कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसका खुद का कठिन संघर्ष और पिता की दृढ़ इच्छा शक्ति है। राज्य के सभी जिलों में चलेंगी CNG और इलेक्ट्रिक बसें। इन दिनों सरकार की ओर से यही कोशिशें हैं कि राज्य में CNG और इलेक्ट्रिक में चलने वाली गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जाए और पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को खत्म किया जाए। इसी कोशिश के तहत बीते दिन परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा यह कहा गया है कि अब राज्य में बिहार सरकार के द्वारा CNG व इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए इस दिशा में कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से 15 वर्ष पुराने वाहनों पर रोक लगाने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अब परिवहन विभाग की ओर से डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की खरीदारी नहीं की जाएगी, अब सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक बसों की ही खरीदारी की जाएगी। बिहार BEd CET रिजल्ट 2023 में इतने अभ्यर्थी हुए सफल। बीते दिन बिहार BEd CET 2023 के परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस परीक्षा में कुल 1,65,675 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 1,43,648 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी कि सफल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 89% है। बता दें कि इस परीक्षा में टॉप 10 में जिन अभ्यर्थियों का नाम शामिल है उनमें 99 अंकों के साथ नेहा कुमारी सबसे टॉप यानी कि नंबर 1 पर आई है। वहीं दूसरे नंबर पर 98 अंकों के साथ धीरज कुमार, तीसरे नंबर पर 98 अंकों के साथ शुभम दत्ता, चौथे नंबर पर 97 अंकों के साथ रवि कुमार, पांचवें नंबर पर 97 अंकों के साथ कृपा शंकर, छठे नंबर पर 96 अंकों के साथ कृष्ण कुमार कर्ण, सातवें नंबर पर 96 अंकों के साथ गुलशन कुमार, आठवें नंबर पर 96 अंकों के साथ प्रिंस कुमार, नौवें नंबर पर 96 अंकों के साथ सुशील कुमार और 10वें नंबर पर 93 अंकों के साथ शुभ्रांशु प्रतीक का नाम शामिल है। मौसम विभाग
ने जताई बिहार में बारिश की संभावना। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राज्य में पिछले एक हफ्ते से लू और हीट वेव का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग लोगों से दोपहर के तपती धूप में घर से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। वहीं इसी बीच अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल IMD रिपोर्ट की माने तो राज्य में तपती और जानलेवा गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। रिपोर्ट की माने तो बिहार में अगले 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है। बता दें कि IMD रिपोर्ट के अनुसार बिहार समेत देश भर के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद लोगों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एक और मौका। अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना PG करना चाहते हैं लेकिन अब तक आपने CUET PG के लिए आवेदन नहीं किया था तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने का एक और मौका दिया गया है। दरअसल NTA के अध्यक्ष जगदीश कुमार द्वारा CUET PG के लिए आवेदन करने की तारीख को 5 मई रात 9:50 तक बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि पहले आवेदन करने का आखिरी तारीख 19 अप्रैल निर्धारित किया गया था। वहीं अब करेक्शन विंडो 6 मई को खुलेगी और 8 मई को बंद हो जाएगी। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 5 मई रात 9:50 से पहले तक आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम और पार्क के बारे में। दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम और पार्क भागलपुर जिले का एक अनोखा म्यूजियम है। यह पार्क भागलपुर में प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर के पास ही में स्थित है। यहाँ पर आपको लकड़ी के बहुत सुंदर सुंदर सामान देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ लकड़ी की कलाकृतियाँ देखने लायक है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिनका आप मजा ले सकते हैं। यहाँ पर लकड़ियों में सुंदर सुंदर स्कल्पचर बनाए गए हैं। दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम और पार्क गंगा नदी के पास बना हुआ है जिससे यहाँ पर गंगा नदी का भी सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल जाता है और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य देखने लायक रहता है। यहाँ पर आप आकर अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। यह पार्क भागलपुर में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। देश का नाम बदलने के लिए बाप बेटी कर रहे साइकिल यात्रा। देश का नाम बदलने के लिए बाप बेटी कर रहे हैं साइकिल यात्रा। देश का नाम इंडिया से हिंदुस्तान में बदलने के लिए 9वीं क्लास की छात्रा अपने पिता के साथ साइकिल यात्रा कर रही है। बता दें कि इस यात्रा के दौरान बीते दिन यह बाप बेटी की जोड़ी कोलकाता से दिल्ली के लिए चलने के दौरान कैमूर जिले के मोहनिया पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अब दिल्ली तक जाने में उन्हें 15 दिन और लगेंगे। बता दें कि दिल्ली पहुंचकर दोनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मिलेंगे और अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। मालूम हो कि इस यात्रा को लेकर लड़की के पिता विश्वस्वरूप वासु कहते हैं कि जब मैं चाय पी रहा था तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि वो साइकिल से दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलना चाहती है क्योंकि वह चाहती है कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखा जाए। उसने बताया कि जब भी वह इतिहास पढ़ती है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पढ़ने के बाद इंडिया का नाम जब भी सुनती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का याद दिलाता है। उसने बोला कि जब प्रधानमंत्री 4 घंटे सोकर 20 घंटे काम कर सकते हैं तो मैं भारत के लिए इतना भी नहीं कर सकती। बिहार में नौकरी मांगने वालों में 13,659 लोग निरक्षर। NCL पोर्टल के आंकड़े के अनुसार यह बात निकलकर सामने आई है कि राज्य में रोजगार मांगने वाले में पढ़े लिखे बेरोजगार ही नहीं बल्कि निरक्षर लोग भी शामिल है। बता दें कि विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार रोजगार मांगने वालों में 18 वर्ष तक के उम्र वाले 19,140 बेरोजगार है। वहीं 18 से 24 साल के 317,004 लोग, 25 से 34 साल के 475,441 लोग, 35 से 44 वर्ष के 86,817 लोग, 45 से 54 वर्ष के 20,840 लोग, जबकि 55 से 64 वर्ष के 3,472 बेरोजगार लोग शामिल है। इसके साथ ही 492 वरीय नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने उम्र बीत जाने के बाद रोजगार की मांग की है। वहीं 21 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने उम्र का ब्यौरा नहीं दिया है। लेकिन आपको यह बात जानकर अचंभा होगा कि इन सभी लोगों में 13,659 लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, यानी कि वो स्कूल तक भी नहीं गए हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी श्रम संसाधन विभाग के द्वारा दी गई है। IPS अमित लोढ़ा की परेशानी नहीं हुई दूर। IPS अमित लोढ़ा की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है और इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अमित लोढ़ा जांच में सहयोग देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमित लोढ़ा नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर से सुर्खियों में आए थे। मालूम हो कि IPS अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार निवारण विरोध अधिनियम की संबंधित धाराओं पर मामला दर्ज है। दरअसल उन्होंने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए वेब सीरीज या फिल्म बनाने वाली कंपनियों का अपना माध्यम बनाया था।
नैक रिपोर्ट कार्ड में बिहार वीवी फिसड्डी शैक्षणिक मानकों की परख के लिए अनिवार्य नैक मूल्यांकन की तैयारी से पहले वीवी के इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि नैक रिपोर्ट कार्ड में बिहार वीवी फिसड्डी निकली है। दरअसल वीवी के कुल 120 कॉलेजों में 94 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना पहला लेवल भी पूरा नहीं किया है। इस 94 कॉलेज में 16 अंगीभूत, 17 अनुदानित संबंध डिग्री कॉलेज व 59 बीएड कॉलेज शामिल है। वहीं इन 120 कॉलेजों में 28 कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना एक बार तो मूल्यांकन कराया लेकिन 5 साल बाद सेकेंड लेवल के लिए कोई मूल्यांकन नहीं करवाया है। बता दें कि इस मामले को लेकर डॉक्टर कल्याण कुमार झा का कहना है कि 1 मई से पहले अधिकतर कॉलेज जिनका फर्स्ट लेवल असेसमेंट नहीं हुआ है या फिर जिन कॉलेजों का दूसरी बार मूल्यांकन होना है उन सब की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सभी कॉलेजों के प्राचार्यों की मीटिंग में समीक्षा कर हर हाल में इस साल मूल्यांकन कराया जाएगा। पृथक मथला के लिए पदयात्रा का हुआ शुभारंभ। बीते दिन यानी कि गुरुवार से पृथक मथला राज्य की मांग को लेकर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले खगड़िया जिले से इंजीनियर शशि कुमार झा के नेतृत्व में पदयात्रा की शुरुआत की गई है। बता दें कि यात्रा कुल 700 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी जिसमें विभिन्न शहरों और गाँव से गुजरा जाएगा। बता दें कि इस यात्रा के दौरान मिथिला निवासियों को मिथिला राज्य के गठन की जरूरत, अलग मिथिला राज्य नहीं बनने से मिथिला भूमि को लगातार पिछड़ेपन का दंश झेलना आदि मांगों से अवगत कराया जाएगा। वहीं इस यात्रा को लेकर इंजीनियर शशि कुमार झा का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से मिथिला वासियों को जोड़ने का काम करेंगे और साथ ही पृथक मिथिला राज्य की जरूरत को विस्तार से सभी को अवगत कराएंगे। संबद्धता पर सुदूर और पिछड़े इलाकों के कॉलेजों को मिलेगी प्राथमिकता। कॉलेजों को संबद्धता में सुदूर और पिछड़े इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इसके लिए अब राज्य सरकार के द्वारा इसके मानकों और प्रावधानों को पहले की तुलना में थोड़ा कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी भी कॉलेजों को संबद्धता देने से पहले हर मानक का पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लिया जाए। दरअसल सरकार यह देखना चाहती है कि जिस कॉलेज को उनके द्वारा संबद्धता दी जा रही है वह छात्रों को शिक्षा देने के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर पाएगा या नहीं। बता दें कि इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा व्यापक स्तर पर कार्य योजना का भी निर्माण किया जा रहा है। इसमें कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले विषय और उन्हें मान्यता देने के विषय को भी शामिल किया जाएगा। मालूम हो कि अब किसी कॉलेज को मान्यता देने के लिए एकेडमिक सिस्टम को भी मानकों की कसौटी पर कसा जाएगा। आज सनराइजर्स का सामना सुपर किंग्स से। आज आईपीएल 2023 का 29वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुकाबला है 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और 1 बार की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई की टीम अपना पिछला मुकाबला आरसीबी को हराकर आ रही है जबकि हैदराबाद की टीम मुंबई इंडियंस के हाथों हारकर आ रही है। चेन्नई के चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड जबरदस्त है। यहां खेले गए पिछले 23 मुकाबलों में चेन्नई ने 19 में जीत दर्ज की है। इसलिए हैदराबाद के लिए चेन्नई को इस मैदान में हराना आसान नहीं रहने वाला है। चेपॉक का मैदान स्पिनरों को भी सूट करती है और सनराइजर्स के पास स्पिन विभाग में उतनी गहराई नहीं है। इसलिए कप्तान एडन मार्करम, अंतर्राष्ट्रीय स्पिनरों आदिल रसीद और अकिल हुसैन को खिला सकते हैं। मौसम काफी गर्म रहेगा और जब आईपीएल की दो बेहतरीन टीम आमने सामने होगी तो गर्मी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। अभी तक दोनों टीम 18 बार भिड़े हैं जिसमें से 13 बार चेन्नई ने जीत दर्ज की और 5 मुकाबलों में हैदराबाद की टीम ने जीत का स्वाद चखा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। लोदी राजवंश का संस्थापक बहलोल खान लोदी 1451 में दिल्ली का शासक बना। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी बने। भारतीय वायुसेना के संजय थापर को 1996 में पैराशूट के जरिए उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया। बांग्लादेश में भारतीय जवानों की नृशंस हत्या पर 2001 में भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। 1924 में 1961 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारत के पहले निशानेबाज करणी सिंह का जन्म हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल का 1938 में निधन हुआ। आंकड़ों की बाजीगिरी में मशीन को मात देने वाली शकुंतला देवी का 2013 में निधन हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानकी वल्लभ पटनायक का 2015 में मृत्यु हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक स्वीकृति पत्र ऋण अनुबंध शुल्क के रूप में 1,750 रुपए के भुगतान पर पीएम मुद्रा योजना 1,00,000 रुपए का ऋण देने का दावा करता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। @FIN इंडिया के द्वारा यह पत्र जारी नहीं किया गया है।
अब पहले से ज्यादा सेफ रखे अपने व्हाट्सएप चैट को। मेटा ने हाल ही में अपने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। इस नए अपडेट में व्हाट्सएप ने अकाउंट सिक्योरिटी, डिवाइस वेरिफिकेशन, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कोड फीचर्स को यूजर के लिए ऐप में जोड़ा है। ये यूजर के लिए ऑटोमेटिक सिक्योरिटी करेक्शन वेरीफाई करता है। यह फीचर ये भी चेक करता है कि आपकी पर्सनल बातचीत सेफ रहे। यह फीचर डिफॉल्ट से आपके फोन में एक्टिव है, इसे आपको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। आपको इस फीचर को इनेबल करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। यह नया फीचर ऑटोमेटिक ये सुनिश्चित करती है कि कनेक्शन सेफ रहे। अगर आप इस फीचर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप का नया वर्जन इंस्टॉल करें। बिहार की ये एक्ट्रेस दबोचेंगी खूंखार सीरियल किलर को। बिहार की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बहुत जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली है। बता दें कि यह ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपना कदम अपनी वेब सीरीज दहाड़ से रखने वाली हैं। मालूम हो कि इस वेब सीरीज का फर्स्ट लुक और पोस्टर अनाउंस कर दिया गया है। सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक्टर विजय शर्मा, गुलशन देवैया और सोहम शाह भी नजर आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वेब सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी महिला पुलिस का किरदार निभा रही है जो एक क्रूर महिला है और वह निर्दयी अपराध के साथ एक भीषण हत्या के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। मालूम हो कि यह वेब सीरीज दहाड़ अमेजन ओरिजिनल सीरीज की क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें कुल 8 एपिसोड है। बता दें कि यह सीरीज 12 मई को रिलीज होने वाली है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एम के माही, मिट्टू कुमार राज, संजीव कुमार, पंकज कुमार दास, मृत्युंजय कुमार, अजय शर्मा, राम नरेश यादव, प्रतीक आनंद, बाबूलाल मरांडी, अभिषेक राज, नुगोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अभिषेक पोद्दार, अनिक कुमार यादव, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन होने से प्रदूषण के रोकथाम में कितना मदद मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।